मांगों को लेकर एक बार फिर मिड डे मील वर्कर विरोध करने पर उतर आए हैं। शिमला शिक्षा निदेशालय के बाहर मिड डे मील वर्कर ने सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मिड डे मील वर्कर पिछले लंबे समय से अपने लिए नीति बनाकर नियमित करने की मांग उठा रहे हैं। मिड डे मील वर्कर लगातार पिछले कुछ समय से न्यूनतम 9,000 वेतन की मांग कर रहे हैं। मिड डे मील वर्कर यूनियन की महासचिव हिमी देवी ने बताया कि वह बीते 18 वर्षों से महज 33 रुपये दिहाड़ी पर अपनी सेवाएं दे रही है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। इस दौर में इतने कम वेतन में गुजारा कर पाना संभव नहीं है। मिड डे मील वर्कर को 12 माह में से सिर्फ 10 महीने का ही वेतन दिया जाता है। देश भर में 25 लाख मिड डे मील वर्कर 12 करोड़ बच्चों को खाना बनाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार उनका शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे न मानने तक आंदोलन जारी रहेगा। मैम, आज मिड डे मील वर्कर्स ने मैम शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, क्या मैम आपकी मुख्य मांगे हैं, मैम विस्तार में बताएं। मेरा नाम भूमि देवी है। आज की प्रोटेस्ट की मुख्य मांगे जो है, मिड डे मील वर्कर पिछले 18 वर्षों से जो है इस स्कीम के अंतर्गत जो है अपना कार्य कर रहे हैं, और मिड डे मील वर्कर को अभी तक 18 वर्ष काम करने के बावजूद भी अभी तक न्यूनतम वेतन मिड डे मील वर्कर को लागू नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। दूसरा, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि 2300 का वेतन जो अभी तक मिड डे मील वर्कर को दिया जाता था, 3-4 महीने हो जाने के बावजूद भी मिड डे मील वर्कर को वेतन नहीं दिया जाता है। जब इस संदर्भ में शिक्षा विभाग या सरकार से बात की जाती है तो शिक्षा विभाग का कहना होता है कि मिड डे मील के लिए जो है हमारे पास कोई बजट नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब लाखों का पैकेज देने के लिए, हजारों का पैकेज देने के लिए हर महीने में 1 या 2 तारीख को सरकार के पास देने के लिए पैसा होता है, तो मिड डे मील वर्कों के लिए 2300 रुपये देने के लिए सरकार का खजाना खाली हो जाता है। इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और सरकार से बार बार यही मांग करना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्कों को जो है प्रति माह जो है उन्हें वेतन का भुगतान पहली से 1-5 तारीख तक जो है दिया जाना चाहिए। दूसरा, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्कों को जो है कम से कम 9,000 रुपये न्यूनतम वेतन हिमाचल प्रदेश में लागू होना चाहिए। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी 25 से 26 बच्चों की शर्त जो मिड डे मील वर्कों के लिए रखी गई है, उसमें हमारा कहना है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य होने के कारण जो है यहाँ पर दूर दराज में गाँव बसे हैं। दूर दराज गाँव बसे होने के कारण जो है जगह जगह पर स्कूल खुले हैं और सभी स्कूलों में जो है 26 बच्चों की संख्या का होना असंभव है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो बच्चों की संख्या शर्त है उसे जो है तुरंत खत्म कर दिया जाए हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि प्रसूति अवस्था के दौरान यदि मिड डे मील वर्कर प्रसूति अवस्था में होती है तो सरकार द्वारा उसे कम से कम 6 महीने का वेतन सहित अवकाश दिया जाए। मिड डे मील वर्करों के लिए ना तो कोई छुट्टियों का प्रावधान है, ना ही पेंशन ग्रेजुटी का मिड डे मील वर्करों के लिए सरकार द्वारा कोई मतलब राहत दी गई है। इसलिए इसके संदर्भ में भी हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्करों के लिए पेंशन ग्रेजुटी का प्रावधान भी होना चाहिए। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2019 को मिड डे मील वर्कर के संदर्भ में फैसला जारी किया था कि मिड डे मील वर्कर को जो है 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेगी है। यानी कि इस फैसले पर कोई सरकार द्वारा बिल्कुल भी जो है अभी तक जो है गौर नहीं किया गया। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्कों के लिए छुट्टियों का किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्कर भी एक हार्ड मास का एक अन्य वर्कर या अन्य मतलब आम आदमी की तरह आदमी है, उसे भी आकस्मिक परेशानी आ सकती है, उसके भी जो है शादी विवाह या अन्य कई तरह की समस्याएं जो उसके संदर्भ में अचानक भी इस तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्करों को भी जो है मेडिकल सुविधा की भी छुट्टी मिलनी चाहिए और अन्य तरह की भी जो है जरूरी आकस्मिक अवकाश भी मिड डे मील वर्करों को दिया जाना चाहिए। अगर आगे आने वाले कल दिन सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, आज का जो ये प्रोटेस्ट है ये पूरे ऑल इंडिया के फेडरेशन के स्तर पे जो है पूरे देश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में, शिमला जिला में भी कई जगह पर जो है मतलब तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे किया जा रहा है। यदि सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना तो आगे आने वाले कल दिन में जो है हम अपने हड़ताल को जो है एक लंबे लगातार उसमें जो है ले जाएंगे और अपनी हड़ताल को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती है।